हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय गेमिंग चैनल अरुण बाशर 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी गेमिंग भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारे गेम पर न्यू एक करेक्टर आने को है, इसका नाम होगा क्ल्यू। तो क्ल्यू के बारे में बताऊंगा और अदर भी कुछ अपडेट्स हैं जैसे कि डायमंड रॉयल के बारे में और हमारा जो न्यू वेपन रॉयल आएगा तो उसके बारे में अपडेट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसी फ्री फायर की और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट न्यूज़ है हमारी डायमंड रॉयल को लेकर। तो हमारे डायमंड रॉयल का फोटो आप लोग देख सकते हैं और इसका जो एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है वो भी ये रहा। तो ये डायमंड रॉयल, ये मेल वाला डायमंड रॉयल ख़त्म होते ही ये फीमेल वाला डायमंड रॉयल आ जाएगा और उसके बाद हमारा नेक्स्ट बारी आती है वेपन रॉयल की। तो वेपन रॉयल भी चेंज होने को है। ये जो इस टाइम स्कार चल रही है, इसके बाद हमारी एक न्यू वेपन आएगी, वो होगी M60। मुझे स्किन मतलब अभी कलर लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो उसकी भी एक फ़ोटो है, वो आप लोग देख सकते हो। तो ये तो हो गई कुछ छोटी अपडेट्स। अब आती है हमारी न्यू कैरेक्टर की बारी जो कि है क्ल्यू। तो क्ल्यू कुछ बाहर के सर्वर पर जा चुकी है पहले से ही, लेकिन इसका नाम वहाँ पर कुछ अलग नाम रखा गया है और शायद वो नाम एवेलन करके है कुछ, तो इसी टाइप का कुछ नाम है। तो वहाँ पर ये बहुत पहले से जा चुका है, अब हमारे इंडियन सर्वर पर भी आने वाला है। तो जहाँ तक ये आपको कल ही देखने को मिल जाएगा, मतलब कि कल सुबह टॉपअप में। कल आपको पता होगा कि हमारा टॉपअप इवेंट है वो चेंज होने को है, तो इसका एक टॉपअप इवेंट भी आ सकता है। ये इस टाइप का आएगा, देखो यहाँ पर एक फ़ोटो शो हो रहा है जिसमें आपको टॉपअप में भी ये बंडल मिल रहा है और क्ल्यू कैरेक्टर भी मिलेगा और लेवल 6 शायद 8 का कार्ड भी है। तो ये दो तरह से आ सकता है, नंबर एक पर टॉपअप और नंबर दो हमारा एक लक रॉयल में दिया जा सकता है। मतलब इसका क्ल्यू रॉयल करके एक नाम दे दिया जाएगा, एक न्यू रॉयल होगा वो, उसमें भी ये मिल सकता है। तो अब कल की देखेंगे कि ये किस में आता है। तो अगर हम अपनी इसकी क्ल्यू कैरेक्टर की स्किल की बात करें तो आप लोगों ने मोको कैरेक्टर का यूज़ तो किया होगा, काफ़ी लोग मोको कैरेक्टर लेके खेलते हैं जो कि बंदे को अगर आप कोई मतलब एक गोली मारते हो तो उसकी लोकेशन कुछ टाइम तक दिखती रहती है। तो उसी टाइप से इसकी भी कुछ एबिलिटी है। इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप इसकी स्किल मतलब इसकी स्किल जो ऑन करने का बटन होगा, एक जैसे आलोक की स्किल होती है ऑन करने की, उसी टाइप की इसकी भी एक स्किल है, मतलब बटन होगा एक ऑन करने का। तो सुनो अभी ध्यान से, जब आप वो बटन दबाएंगे तो इसके जो 30 मीटर की रेंज में कोई भी अगर एनिमी है आपका, तो वो आपको मैप में स्पॉट कर देगा। मैप में एक डॉट शो हो जाएगा, रेड डॉट, उसमें पता चल जाएगा आपको कि वो एनिमी मतलब यहाँ पर खड़ा है। लेकिन इसकी एक और यहाँ पर कमी है कि अगर वो एनिमी लेटा है या बैठा है तो आपको पोजीशन नहीं दिखेगी, वो अगर खड़ा है तो ही आपको उसकी पोजीशन दिखेगी। तो इसके बाद अगर लेवल 8 पर आप जाएंगे, अभी ये फर्स्ट लेवल की बात थी, लेवल 8 पर इसकी मतलब एबिलिटी बढ़ती जाएगी। अभी 30 मीटर है, लेवल 8 पर इसकी 50 मीटर तक ये आपको मतलब आपके एनिमी को स्पॉट कर लेगी 50 मीटर तक। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जो सर्वाइवर हैं उनके लिए काफ़ी मतलब नुकसान हो सकता है। जो रैंक में सर्वाइव करते हैं, बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम तक या कहीं भी छुप के मतलब रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी परेशानी साबित हो सकती है। जिसके पास ये करेक्टर होगा उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर एनिमी हैं। तो अब हम मतलब जितना भी कुछ मेरे पास था क्ल्यू के बारे में और सारी अपडेट्स वो मैंने आपको बता दी हैं। और हाँ, लास्ट में क्ल्यू की मतलब कुछ क्लिप्स हैं जो कि आप देख सकते हो कि उसकी एबिलिटी कैसे यूज होगी, कैसे आप यूज करना कर सकते हो जब ये हमारे गेम पर आ जाएगी। तो लास्ट में वो कुछ क्लिप्स ऐड की हैं, उनको देखकर ही जाना, तो आपको पूरी मतलब क्ल्यू की सारी एबिलिटी और मतलब क्ल्यू के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और लास्ट का सीन ज़रूर देख के जाना। But I know it's
it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.